हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें हमारे लेटेस्ट ट्रैवलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में। आज के इस वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव के नाम से बसे शिवराजपुर में स्थित खेरेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिसमें मैं आपको गंगा नदी के किनारे बसे सरैया घाट के भी दर्शन कराऊंगा। इस समय हम GT रोड पर चल रहे हैं। दोस्तों, कानपुर शहर से शिवराजपुर पहुंचने में लगभग 40 से 50 मिनट का समय लगता है। शिवराजपुर पहुंचते ही आप देखेंगे कि आपको इस पतली सड़क से मंदिर की ओर जाना होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मंदिर की ओर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस इलाके में भोलेनाथ की कृपा बरसती है, क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा के भक्त अश्वत्थामा प्रतिदिन सुबह और विशेष रूप से शिवरात्रि पर पूजा करने आते हैं। दोस्तों, हम मंदिर पहुँच चुके हैं। चलिए अब यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मेरी यहाँ के पुजारी जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग हजारों वर्ष पुराना है। यह सतयुग से यहाँ पर स्थापित है। द्वापर में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी का आश्रम हुआ करता था और उनके पुत्र अश्वत्थामा का भी जन्म यहीं हुआ था। महाभारत काल में द्रौपदी जी के पुत्रों का छल से वध करने के कारण भीम ने अश्वत्थामा की मणि को निकालकर उसे शक्तिहीन बना दिया था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह धरती पर तब तक पीड़ावश जीवित रहेगा जब तक स्वयं उसे महादेव उसके पापों से मुक्ति न दिला दें। अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि इस मणि की क्षतिपूर्ति कैसे होगी। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जहां आपका जन्म स्थल है वहां जाएं, वहां भगवान शिव जी के नित्य दर्शन व पूजा करने से मणि की क्षतिपूर्ति हो जाएगी, इसलिए अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने प्रतिदिन आते हैं। पंडित जी ने यह भी बताया कि रात में 9 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते हैं और मंदिर के पट सुबह 4 बजे खोले जाते हैं। मंदिर के पट खुलने के पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजा अर्चना की हुई मिलती है और शिवलिंग पर जल व अद्भुत तरह के फूल चढ़े हुए मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब मंदिर से बाहर की ओर चलते हैं। आप देखेंगे कि मंदिर के अपोजिट साइड में एक तालाब स्थित है जिसे गंधर्व तालाब कहा जाता है। इस तालाब के बारे में लोग बताते हैं कि इस तालाब में पहले लाल कमल हुआ करते थे। जब से इस तालाब में मंदिर के शिवलिंग का जल आकर मिलने लगा, तब से इस तालाब में सफ़ेद कमल, जिसे ब्रह्म कमल भी कहते हैं, वह पाए जाने लगे हैं। दोस्तों, यदि आपको इस मंदिर का इतिहास और यह मंदिर दोनों पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और इस मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित गंगा नदी के किनारे बसे सरैया घाट पर बने मंदिरों के भी दर्शन करते हैं।
अब हम सरैया घाट पहुंच चुके हैं। यदि आप खेरेश्वर मंदिर आते हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। चलिए आपको यहाँ के मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग नागेश्वर रूप में विराजमान है। आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के। यह मंदिर भी इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से काफी प्राचीन लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यह घाट काफी सुंदर बनाया गया है। जब आप यहां पर आए तो कृपया थोड़ी देर यहां जरूर रुकें। तो यदि आप खेरेश्वर मंदिर आते हैं तो इस घाट पर आना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।